पेपर की तैयारी कैसी है? दोबारा करो ना। पेपर की तैयारी कैसी है? सकलैन अली, पेपर की तैयारी हो रही है? हो रही है। क्या कोई उम्मीद है यार, इसका पेपर हो जाए बस किसी भी। आगे चलते हैं जी, राहुल साहब के पास चलते हैं, इनसे जानते हैं। राहुल साहब कैसे हैं पहले आप ये हमें बताएं। बहुत तैयार होकर आइए, उसको मारो गोली। अभी पेपर की बात हो रही है, इधर पेपर की तैयारी के बारे में बताओ। अस्सलाम वालेकुम जी, नया व्लॉगर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ मैं हूं जी रिफत न्याज। क्या हाल चाल जी आप लोगों के, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सेहत भी ठीक है आप लोगों की? आज इस व्लॉग को हम करेंगे यहां पर शुरू, और सीन ये कि यार आज हमारे मिड्स का पहला पेपर है, और मैं क्या बताऊं आपको, मेरे पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं यार। मतलब इतने ही हालात ख़राब हैं कि जस्ट एक टॉपिक आ रहा है जो मैं अभी कर सकता हूँ, ठीक है, बाकी मुझे कुछ भी नहीं आ रहा। अभी जो टाइम हुआ है वो 6:45 हुए हैं, और जो मेरा पेपर शुरू होगा, मेरा पेपर होगा 10:20 के ऊपर। तो मैंने सोचा कि यार ये जो 3-4 घंटे हैं ना, तो इनको हम यूटिलाइज़ करते हैं। मैं जाता हूँ यूनिवर्सिटी में जाके आराम सुकून के साथ बैठूंगा, पढ़ूंगा, और उधर जो लोग आते जाएंगे हम उनसे भी पूछते जाएंगे, जो चीज़ें हमें नहीं आ रही होंगी उनको बोलेंगे कि यार हमें बताते जाओ। ऐसे करके जो है तो हम जो है ना तो जुगाड़ लगा के आज के इस पेपर को पार करने की कोशिश करेंगे। पर हर अल्लाह ताला से दुआ है कि यार पेपर अच्छा हो जाए। और इसके साथ साथ हम आपको आज के इस व्लॉग में दिखाएंगे कि जब यूनिवर्सिटी लाइफ में पेपर होते हैं तो लोगों के क्या तासरात होते हैं, उनके चेहरे का क्या रंग और रूप होता है, सब कुछ आज आपको देखने को मिलेगा। आ जाओ जी चलते हैं यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी पॉइंट पर आपसे मिलते हैं। यार मैं आ गया हूँ यूनिवर्सिटी में, और अब मैं जो है तो इधर पार्किंग में बैठूंगा। ना मेरे वाला ना मेरे वाली कोई आई हुई है, मतलब ना मेरा जानने वाला कोई आया हुआ है ना मेरी जानने वाली कोई आई हुई है, इस वजह से मैं अकेला ही हूँ। मैं थोड़ी देर इधर बैठूंगा, जब तक कोई आएगा फिर हम उसके साथ भी बातचीत करेंगे, तब तक हम अपना पढ़ते हैं जी। यार अभी सीन जो है कि मैं उठ के पार्किंग से आ गया हूँ, और मेरे साथ हैं जी उमर, दवा ने नान ली। उमर क्या हाल है? यार बताया नहीं, मैं बीमार हूँ। उमर बीमार था यार, हाँ पीछे कुछ अरसा खा गया हूँ, अभी भी बीमार है। अब कैसी है तबीयत? पहले से ठीक है। पहले से ठीक है, मसला क्या हुआ ये बताओ। वो क्या कहते हैं उसको, खसरा हुआ कि खसरा हुआ है, इसको पता नहीं क्या हुआ। बहरहाल हम यहाँ पर आ गए हैं जी, हम आगे जाते हैं, थोड़ी देर बाद मैं आपको दोबारा मिलता हूँ। यार अभी सीन ये है कि पेपर से पहले हम लोगों के हाल व अहवाल जानते हैं, चलते हैं। क्या हो रहा है, पेपर की तैयारी कैसी है? दोबारा करो ना। पेपर की तैयारी कैसी है? आता है इधर, रुकना, सब आता है, सब इनको पढ़ा रहा था सुबह। अच्छा जी, पढ़ा रहा था। सकलैन अली, पेपर की तैयारी हो रही है। क्या कोई उम्मीद है यार, इसका पेपर हो जाए बस किसी भी तरह। फैसल अली, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब पेपर की तैयारी कैसी है? पेपर की तैयारी इंशाल्लाह करेंगे, अभी है घंटा, है घंटा भी, अभी एक घंटा रहता है जी, पेपर की तैयारी होगी, है इंशाल्लाह एक घंटे में पूरी तैयारी करेंगे जी, जान लगा के तैयारी करेंगे। और रिफत साहब को तो हमने कहा कि हमें थोड़ा सा समझा दे, लेकिन जब लोग, जब बंदे को आता हो, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि बंदे को आता हो बंदा बता देता है, जब आई खुद ना तो बंदा क्या बताता है। बगावत पे उतर जाए ना, उनका कोई शेर हो जाए, एक शेर हो जाए, शेर यार एक है, क्या कौन सा तैयारा मैं भूल जाता हूँ यार। बगावत का आपने वर्ड यूज़ किया, मैं एक मज़े का शेर आपको बताता हूँ, सुनाता हूँ। मैं गुलामों को दिया करता हूँ दर से हुरियत, मैं गुलामों को दिया करता हूँ दर से हुरियत, मेरा पेशा है बगावत, बागी कहलाता हूँ, बागी कहलाता हूँ, मेरा पेशा है बगावत, बागी कहलाता हूँ। क्या शेर, वैसे बगावत वैसे ही बैठाते हैं। आगे चलते हैं जी, राहुल साहब के पास चलते हैं, इनसे जानते हैं। राहुल साहब कैसे हैं पहले आप ये हमें बताएं। बहुत तैयार होकर आइए, उसको मारो गोली, अभी पेपर की बात हो रही है, इधर पेपर की तैयारी के बारे में। पेपर से रिलेट करती हूं ना, क्या मतलब इस वजह से मेकअप वगैरह सही करके आई हो कि ना कोई फील कर सके? एक टॉपिक नहीं आता, बाकी सारा आता है, मुझे सिर्फ एक आता है, बाकी सारा नहीं आता। यही तो डिफरेंस है तुम और मुझ में बेटा, यही डिफरेंस है यार। देखो सॉरी, रमज़ान है, बट हमारी जो अभी जो सिचुएशन है ना, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। हमारा ही सिचुएशन क्या है कि वो कहता है कि हाँ लुट गए हम तेरी मोहब्बत में से। क्लाइन कितना टाइम रहता है, क्या पोजीशन है यार बताओ? आधा घंटे मेरे ख्याल से रहता है, और पोजीशन ये है कि पढ़ा तो था लेकिन अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा, और अभी कुछ चीज़ों को फिर दोबारा से पढ़ना है, इधर आगे कुछ और चीज़ें भी पता चल रही है कि ये भी पढ़नी थी, अब क्या होगा पता नहीं, पेपर के बाद फिर पता चलेगा कि यार मसला यह कि एक दफ़ा पढ़ के आगे जाते हैं, पीछे वाला भूल जाता है, फिर कोई आता है, कोई आगे कहता है कि यार ये चीज़ भी करनी है, वो हमारे लिए टोटली नई होती है। असल में वो सीन होता है, अगर कुछ पढ़ते हो तो एक बीच में एक बंदा आता है और कॉन्टेंट शेयर करता है, इसमें यह भी करना है, अब वो पढ़ते हो वो कुछ और भी शेयर करता है, कहता है ये भी करना है, एक चीज़ बड़ी, जो पढ़ा होता है वो भी भूल जाता है यार। चलो पेपर यार, हम दोबारा आपसे पेपर के बाद मिलते हैं।
यार अभी सीन ये कि हमारा पेपर हो गया, लोगों के रिएक्शन चेक करो, मैं एंड भी अपना रिएक्शन बताऊंगा। उमर कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ, सब आता था, इसमें क्या हुआ? सब आता था। सकलैन पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है, कुछ और तो नहीं हुआ? नहीं। पहली बात इकरा, अगर इसके 20 से ऊपर नंबर आए इसको मैं नहीं छोड़ता, ये कर था, मुझे कुछ नहीं आता। इधर आओ, इधर आओ इकरा, इधर आओ, बात सुनो, इधर आओ। यार ये लड़की भाग रही है, पता नहीं क्या चक्कर है। क्या हुआ है तुम्हारे साथ क्लास में? इसकी क्लास अलग थी, हमारी क्लास अलग थी, क्या सीन हुआ है? यार मुझे क्लास से बाहर निकाला। क्यों बाहर निकाला है? बहरहाल आज इन्होंने अनएक्सपेक्टेड सा सीन ये किया है कि यार जिन लोगों की फ़ीस सबमिट नहीं थी अभी तक, तो उनका पेपर ही कैंसिल कर दिया। हम कहते हैं कि आप पेपर नहीं दे सकते। यार अभी सीन ये कि हम लोग वापस जा रहे हैं अपने घरों की तरफ, सोए हुए नहीं है सरी वगैरह करके। और मैं आपको बता दूं कि मेरा पेपर कैसा हुआ। मेरा पेपर हुआ ऐसा कि मुझे एक थ्योरी का जो है ना, तो वो क्रिटिसिज्म आता था, उसको मैंने दो थ्योरीज़ में लिखा है, ठीक है, और मैंने दो एक्स्ट्रा शीट्स भी लिखी हैं, जिसकी वजह से ये लड़के मुझे कह रहे हैं ये जब इसके ना 30 में से क्या कहते हैं 25-26 नंबर आएंगे और अगर इसके ना 20 से ऊपर नंबर आए इसकी खैर नहीं है। चलो अगर आ जाए तो मैं तो खुश हूँगा, बहरहाल मुझे उम्मीद नहीं है। मेरी उम्मीद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 से ऊपर नहीं चढ़ेंगी। वो अलग बात है कि मैम ने कहीं दे दिया तो दे दिया, चलो देख लेंगे ना, इसमें कौन सी बात है। बहरहाल यार इकरा जो है बहुत ही परेशान है। यार इकरा अब तो ना रो, घूर घूर के देख रहे थे यार इसको सारे, इसको मैम ने चुप कराया यार, मतलब इसके साथ सही में नाइंसाफी हुई। बाकी जो लोग थे उनको जो है तो स्कॉलरशिप वालों को उन्होंने बाहर नहीं निकाला और इसको निकाल के अकेले, और बेचारी का ना टाइम इन्होंने ज़ाया करवाया। और हम लोग आ गए हैं कि यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर। लेकिन आज के ब्लॉग को एंड करने से पहले एक चीज़ है यार, मुझे अपने अपने नंबर बताओ, कितने नंबर आएंगे मेरे से तो पूछ। क्या पेपर में कितने नंबर आएंगे? अच्छा मैंने 12 तक बताया कि 12 तक आ सकते हैं, यही इतने। सकलैन 15 पे चढ़ रहे हो ना? 12-15 और मुझे कह रहे हो कि तुम ज्यादा लिख के आयो। मेरे दो आएंगे अगर कहने से आ जाते तो फिर 35। चलो जी देखेंगे हम के किसके कितने नंबर आते हैं, किसके कितने नंबर आते हैं, वो भी हम आपको अगले व्लॉग में बताएंगे जब हमें ये पेपर वापस मिल जाएंगे, जब रिजल्ट आएगा उस व्लॉग की बात हो रही है, ठीक है। तो आज के इस व्लॉग हम यहाँ पर एंड करेंगे। मेरा आज के जो व्लॉग आपको कैसा लगा, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है यार कसम से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किया करें यार, इतनी मेहनत करते हैं बाहर शोर मचा मचा के व्लॉग बनाते हैं यार, कुछ तो बनता है ना, मतलब हमारा ख्याल भी कर लिया करो इतनी गर्मी में इतनी धूप में। चलो यार आज के इस व्लॉग को हम यहाँ पर एंड करेंगे। मेरा आज के जो व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक लिए अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।